ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल फिजियोथेरेपी सेंटर ज्वालामुखी फिजियोथेरेपी से लोगों के मर्ज को दूर कर रहा है। सेंटर में विश्व फिजियोथेरेपी डे मनाया गया। इस दौरान यहां विशेष बच्चों के साथ केक काट कर यह दिवस मनाया गया। सेंटर में इन विशेष बच्चों के लिए कई अहम जानकारियां डॉक्टर नीतिका के द्वारा दी गई। महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल फिजियोथेरेपी सेंटर ज्वालामुखी फिजियोथेरेपी से लोगों के मर्ज दूर कर रहा है। सेंटर में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। इस दौरान यहां विशेष बच्चों के साथ केक काट कर यह दिवस मनाया गया। सेंटर में इन विशेष बच्चों के लिए कई अहम जानकारियां डॉक्टर नीतिका के द्वारा दी गई। नीतिका ने बताया कि उनके सेंटर में बच्चों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, साथ ही उनका इलाज भी निशुल्क किया जाता है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इन बच्चों के लिए समाज आगे आए। डॉक्टर नीतिका ने बताया कि शहर में लोग पहले जहां फिजियोथेरेपी से बिल्कुल अनजान थे, वहीं आज शहर में लोग इसकी जरूरत के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। किसी दर्द का फिजियोथेरेपी से आसानी से इलाज हो जाता है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ये थेरेपी कोई भी कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक विशेषज्ञ के पास ही इसका इलाज करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बदलती जीवन शैली के चलते लोगों में कंधे का दर्द, स्लिप डिस्क, पीठ व घुटनों का दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी भी हुई है। डॉक्टर नीतिका चौधरी ने बताया कि अपने व्यस्त दैनिक जीवन में भी कुछ छोटी बातों का ख्याल रखें तो इस तरह की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। जैसे सुबह पलंग से उठते ही कमर की एक्सरसाइज करें और जब आप बैठे हों तो घुटनों की एक्सरसाइज भी करते रहें। इस बातों का ख्याल रखने से आप कई तरह की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। आज 16 दिसंबर 2016 को हमने ये इंस्टीट्यूशन शुरू किया था एंड दैट इज विद द ब्लेसिंग ऑफ कुलभूषण सर एंड विक्रम सर जो हमारे ट्रस्टीज हैं। तो इट्स बीन 2.5 ईयर्स नाउ, 2.5 साल से ऊपर हो गया। एंड आई थिंक प्रोग्नोसिस जो है, जो ठीक होने की कैपेसिटी है, वो तो फिजियोथेरेपी में 80-90% रहती ही है पेशेंट की, एज लॉन्ग एज वो अपनी एक्सरसाइजेस और जो हम उनको प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो रिकवरी तो इट्स वेरी हाई, रिकवरी जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। अच्छा मैडम, आज फिजियोथेरेपी डे है, इस पर आपने कैसे मनाया इसको? सर हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, सो इस साल इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी वुमेन सेल की तरफ से का टॉपिक था क्रॉनिक पेन, कि आज के टाइम में हर कोई किसी ना किसी तरह की पेन से सफ़र कर रहा है। कोई नेक पेन से सफ़र कर रहा है, कोई बैक पेन से, कोई घुटने के दर्द से सफ़र कर रहा है। तो इस बार का हमारा टॉपिक क्रॉनिक पेन पे था, जो हमारा आज का रहा है उसमें हमने लोगों को क्रॉनिक पेन क्यों रहती है, इसका क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं, स्पेशली ऑफिस गोइंग लोग जो है, हाउस वाइफ जो है, वो क्या कर सकती हैं इसके लिए, तो उसके रिगार्डिंग था आज का।